वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। मुझे उम्मीद है मेरा आवाज़ बिल्कुल क्लियर होगा और आप एक जगह पे सेटल डाउन हो चुके होंगे एंड आपकी अप्लाइंस ने आपको बता दिया होगा। हमारा आज का टॉपिक है कार्डिनल रूल्स, जो कि हमको जानना वो ज़रूरी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम लोग 2-3 हज़ार रुपये का सामान खरीदने नहीं आते हैं। राइट नाउ हमें बनानी है टीम, और टीम इतनी बड़ी कि हम लोगों को वहाँ से महीने की एक अच्छी खासी इनकम यानी कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपये आना शुरू हो जाए। लेकिन उतनी बड़ी टीम को लीड करने वाला यानी कि आप, आपके पास वो रूल बुक होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये जानना वो ज़रूरी है कि क्या क्या नहीं करनी चीज़ें। तो आज हम लोग उन गलतियों की बातें करने वाले हैं जिन गलतियों की वजह से या तो हमारी टीम बन नहीं पाती, और अगर बनती है तो बहुत जल्दी टूट भी जाती है। तो एक एक करके बात करेंगे। माइक चेक कर लीजिएगा, नेटवर्क चेक कर लीजिएगा, डायरी पेन निकाल लो ताकि टाइम टू टाइम चीज़ों को लिख सको। सबसे पहले हमारा जो कार्डिनल रूल है, डेट इज डू नॉट हर्ट एनीबडीज ईगो। किसी की ईगो हर्ट करने का आपको कोई भी राइट नहीं दिया गया। हम अक्सर ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के बाद जब क्लोजिंग करने के लिए कॉल करते हो, फॉलो अप कॉल करते हो, कभी भी उसकी ईगो हर्ट मत करना, क्योंकि अगर वो इंसान आज ज्वाइन नहीं कर रहा है तो हो सकता है इन फ्यूचर ज्वाइन कर ले। लेकिन ईगो हर्ट कर दोगे तो ना ही आज ज्वाइन करने वाला, ना ही फ्यूचर में ज्वाइन करने वाला। किसी की ईगो हर्ट मत करिएगा, उसको नीचा मत दिखाइएगा। कई लोग बोलते हैं कि नीचा दिखाओ डाउनलाइन को, वो फील करके ज्वाइन कर लेगा। एक दो केस में ऐसा होता है, लेकिन अगर आपको कोई नीचा दिखाए ना, आपकी नज़रों से उस बंदे की इमेज बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाती है। सेम आपकी इमेज बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएगी जब आप किसी को नीचा दिखाओगे। और कुछ लोग प्रोस्पेक्ट को तो नीचा दिखाते ही हैं, उसकी तो ईगो हर्ट करते ही करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। अपने डाउनलाइन की भी ईगो हर्ट कर जाते हैं। मैं कई लोगों को पर्सनली जानता हूँ जिनका रिजल्ट नहीं आता, जिनका पेआउट नहीं आता, जिनका टीम नहीं बन पा रहा है, वो अपना सारा गुस्सा अपनी टीम पे निकालते हैं। मतलब जो उनके मुंह में आया टीम के सामने बोल के चले जाएंगे। और कुछ कुछ लोग इतना बुरा बोल जाते हैं अपनी टीम को, और जब बातें वो मुझ तक पहुँचती हैं कमेंट्स के थ्रू या क्रॉसलाइन के थ्रू या टीम के थ्रू, तो पता चलता है कि मार्केट में चल क्या रहा है। आपको कोई अधिकार नहीं है अपने डाउनलाइन को उल्टा बोलने का। आपका काम है उनको ट्रेंड करने का, उनको मोटिवेट करने का, उनको एजुकेट करने का, उनको नीचा दिखाने का, उनकी ईगो हर्ट करने का आपको कोई राइट नहीं दिया हुआ। और ऐसा करने वाला अपलाइन लंबी टीम को बना ही नहीं सकता, उसकी टीम बहुत जल्दी टूट के चली जाएगी। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हमारा रिलेशनशिप का बिजनेस होता है। जब आपका आपकी टीम से रिलेशनशिप ही नहीं बन पाएगा, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि वो आपके लिए काम करेंगे या उनकी वजह से आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो मेक श्योर किसी की ईगो हर्ट मत करो, चाहे वो आपका प्रोस्पेक्ट हो, चाहे वो आपका टीम मेंबर। दूसरी चीज़, दूसरा रूल हमारा आता है, कभी भी अपने टीम के अंदर रिलेशनशिप मेंटेन करने का कोशिश मत करना। मैंने कई बड़ी बड़ी टीम को दबाव होते हुए देखा है जब डाउनलाइन के अंदर या अपलाइन के अंदर ही रिलेशनशिप बनने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब अपलाइन अपने डाउनलाइन के साथ रिलेशनशिप में आ गया, डाउनलाइन अपने अपलाइन के साथ रिलेशनशिप में आ गई, वो बिजनेस कभी नहीं चलने वाला। क्योंकि आज नहीं तो कल ये बात आपके नेटवर्क के अंदर फैल जाएगी, और जिस दिन ये बात आपके नेटवर्क के अंदर फैली, उस टाइम आपको लेके आपकी टीम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो सकती। क्योंकि जो इंसान खुद ड्रिंक करता है, वो दूसरों को ड्रिंक छोड़ने की सलाह नहीं दे सकता। अगर अपलाइन खुद इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो अपने डाउनलाइन को कभी भी करेक्टर का फ़ायदा नहीं बता सकता, बिकॉज खुद का ही करेक्टर डाउन चल रहा है। भारत के अंदर 140-145 करोड़ की जनसंख्या है। आपको बाहर जो करना करते रहो, टीम के अंदर कभी भी मिसबिहेव मत करना, रिलेशनशिप मेंटेन करने का कोशिश मत करना। अगर आपको लगता है कि आपकी टीम के अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं, उसको रोकने का प्रयास करो तुरंत बेसिस पे। अगर नहीं रोक पा रहे हो, अपने अपलाइन से कॉन्टैक्ट करो, लेकिन इन सब चीज़ों को टीम में चलने मत देना। यहाँ पे लोग आते हैं ट्रस्ट करके बिजनेस करने के लिए, फालतू वारागर्दी करने के लिए नहीं आते हैं, और ना करने की परमिशन दीजिए। ठीक है ना। तीसरा रूल जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कभी भी नेटवर्क के अंदर पैसों का लेन देन नहीं होना चाहिए। अपलाइन डाउनलाइन से ना मांगे, डाउनलाइन अपलाइन से ना मांगे। हाँ, कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि अपलाइन डाउनलाइन से कुछ पैसे ले लेता है, या डाउनलाइन अपलाइन से पैसे ले लेती है, और वो लोग टाइमली उसको पे भी कर देते हैं। ठीक है, बट 99% केसेस के अंदर पेमेंट होती ही नहीं है। डाउनलाइन ने अपलाइन से पैसे लिए और वापस नहीं कर रहा। अब इस कंडीशन में अगर अपलाइन बार बार फोन करे, तो डाउनलाइन नेगेटिविटी फैला देता है कि 1,000 रुपये के लिए मेरा सीनियर मुझे दिन में 20 बार कॉल करता है। यानी पैसा तो दे नहीं रहा, बल्कि उल्टा बदनामी और कर रहा है। और अगर अपलाइन ने फोर्स कर दिया, तो पैसा तो गया ही गया, साथ में वो डाउनलाइन अपने अपलाइन को ब्लॉक मार देगा, तो काम भी बंद और पैसा भी गया। तो इसलिए पैसे का लेन देन नेटवर्क के अंदर कभी जिंदगी में मत करना, अगर टीम को बर्बाद नहीं करना चाहती हो तो।
फोर पॉइंट ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा इस फोर पॉइंट को, कभी भी अपनी टीम के अंदर, अपने डाउनलाइन के अंदर, अपने नेटवर्क के अंदर नेगेटिव मैसेज ट्रांसफर मत करना। एज अ सीनियर मुझे वेस्टिज कंपनी के अंदर, इस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, मुझे 5 साल हो गए इस कंपनी में काम करते करते, मुझे कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में, मेंटोर्स के बारे में काफ़ी चीज़ें पता है, अच्छी भी हैं बुरी भी हैं, लेकिन क्या मैं बुरी चीज़ें अपने नेटवर्क को बताऊंगा? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि अगर मैंने बुरी चीज़ें नेटवर्क को बताई तो मेरा नेटवर्क डीमोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि लोगों से अच्छी बातें हजम करना मुश्किल होती है, बुरी बातें तुरंत वो लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं। उनको अगर मैं 1000 खूबी गिनवा दूंगा किसी कंपनी की तो उनको याद नहीं रहेगा, एक कंपनी की कमजोरी बताई या उसकी कह सकते हैं कि उसकी गलती बताई तो वो उस गलती को लेकर 20 साल तक बैठे रहेंगे। एज अ अपलाइन आपकी जिम्मेदारी है अपने नेटवर्क के पास कोई भी नेगेटिविटी नहीं जानी चाहिए, आपके थ्रू स्पेशली अच्छी बातें हैं बिल्कुल बताओ, नेगेटिव बातें हैं अपने तक रखो या फिर अपने सीनियर को बता दो, डेट्स इट। नीचे कुछ भी नेगेटिव नहीं जाना चाहिए आपके होते हुए। फिफ्थ पॉइंट इज, कभी भी जो भी काम करने जा रहे हो, कॉन्टेस्ट डालना है, कोई ट्रेनिंग करनी है, अलग से अपनी टीम का ग्रुप क्रिएट करना है, जो भी काम करना है आपको, एटलीस्ट अपने अपलाइन से डिस्कस जरूर कीजिए। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनके 5, 10, 15 लोगों की टीम बन जाती है और वो क्या करते हैं कि अपनी टीम का कॉमन ग्रुप को छोड़ के अपने 5-6 लोगों को लेके अलग ग्रुप बना लेते हैं बिना प्लान को बताए। और उनको पता है ये ग्रुप क्यों बनाना होता है, क्योंकि आज मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, हर किसी को बनना है लीडर। इंस्टाग्राम के ऊपर देखता हूँ मैं, हर दूसरा बंदा अपने अकाउंट पर लिख के बैठा हुआ फाउंडर @ उसकी कंपनी का नाम या उसकी टीम का नाम। लोगों को अपने नाम के आगे फाउंडर लिखना पसंद आता है, ऐसे कुछ लोगों को अपने नाम के आगे ग्रुप एडमिन लिखना पसंद आता है कि मैं ग्रुप एडमिन हूँ, बिकॉज कॉमन ग्रुप को तो एडमिन है नहीं, तो अपने 5-6 लोगों को लेकर एडमिन बन जाएगा ग्रुप बना के, और सोचता है कि मैं 5-6 लोगों के साथ ग्रुप बनाऊंगा माहौल बन जाएगा। कभी माहौल नहीं बनेगा, माहौल हमेशा कॉमनली बनता है, अकेले के लिए आप माहौल बना नहीं सकते। कुछ भी करने जा रहे हो अपने अपलाइन से पहले डिस्कस जरूर करना। सिक्स पॉइंट इज, अपने अपलाइन का फायदा उठाओ अच्छे वे में, बुरे वे में नहीं। कई केसेस के अंदर अगर अपलाइन किसी डाउनलाइन से हंस खेल कर बात कर लेता है तो उस डाउनलाइन को लगता है कि मेरी जटाओं से गंगा बह रही है, कि अपलाइन वही करेगा जो मैं कहूँगा। गलत फहमी है आपकी, अपलाइन आपसे प्यार कर रहा है बिकॉज आपको अपना मानता है, आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है अपलाइन। अगर आप उसका नाजायज फायदा उठाओगे या उसको अपने पैरों की जूती समझने का प्रयास करोगे तो याद रखिएगा वो अपलाइन आपको एक सेकंड के अंदर इग्नोर भी करना स्टार्ट कर सकता है, और बिना अपलाइन के नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लंबे टाइम तक ग्रो नहीं कर पाओगे अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके अपलाइन छोड़ के जा चुके हैं, वो लोग खुद के दम पे चीज़ें कर लेते लेकिन आपको उसको स्किल ही नहीं है और अपलाइन से और बिगाड़ लिया, तो भाई साहब आपका करियर नेटवर्क मार्केटिंग में खत्म हो जाएगा। सो अपलाइन का फायदा उठाओ अच्छे वे में, उनसे सीखो, लेकिन फायदा गलत वे मत उठाओ उनका, अपना गुलाम समझने का प्रयास मत करना उनको। ठीक है कि सर ये राहुल है, राहुल ये सर है, बात कर लो। क्या बात कर लो, अपलाइन की रिस्पेक्ट ही खत्म कर दी। और भाई राहुल कैसा है? राहुल भाई तेरा बचपन का दोस्त मानता हूँ लेकिन धंधे के टाइम पे दोस्त नहीं है, यहाँ वो सर ही रहेगा। ठीक है, तो रिस्पेक्ट करना अपने अपलाइन की, वैल्यू करना उनकी। ठीक है, उसके अलावा सोशल मीडिया का फायदा उठाओ लेकिन राइट यूज करो उसका। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या कोई भी बिजनेस ऐसा आज बाजार में नहीं है जो कि सोशल मीडिया पर नहीं चलता, हर बिजनेस को सोशल मीडिया की रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करने के लिए। लेकिन मैं कई लोगों को जानता हूँ जो कि अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे रोमांटिक स्टेटस लगाते हैं, सॉन्ग्स लगाते हैं। मेरे पास मेरे व्हाट्सएप के ऊपर करीब करीब 2500 से ज़्यादा ऐसे प्रोस्पेक्ट्स हैं जिनका फॉलोअप चलता है रेगुलर बेसिस पे, 2500 या 3000 लोग होंगे कुछ। अगर मैं अपने स्टेटस पे रोमांटिक स्टेटस लगाऊं या सॉन्ग्स लगाऊं तो उन 2500 लोगों के माइंड में क्या इमेज बनेगी मेरी, कि ये बंदा सीरियस नहीं है या ये बंदा भी थोड़ा बहुत मार्केट की तरह उल्टी सीधी चीज़ों में घुसा हुआ है। मैं इमेज बनाना चाहता हूँ प्रोस्पेक्ट की निगाहों में सीरियस पर्सन की, मैच्योर पर्सन की, एक स्पीकर की, लीडर की, अचीवर की। मेरी इमेज बन के आ रही है नेगेटिव। आपकी कंपनी का जो टॉप अचीवर होगा, आप खुद सोचो कि आप अपने इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप के ऊपर कोई लवी डवी चीज़ अपलोड करेगा? कभी जिंदगी में नहीं करेगा। क्या आप अपने स्टेटस पे कभी निब्बा निब्बी के स्टेटस लगाएगा? कभी नहीं लगाएगा। क्या वो रोमांटिक स्टोरीज लगाएगा? जिंदगी में नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने सब चीज़ें करी तो मेरी टीम के सामने मेरी इमेज बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी और मुझको सीरियस लेना बंद कर देगी। आप भी अपने अकाउंट पे आज से कुछ भी अपलोड करो
उससे पहले सोचना कि अगर मेरी कंपनी का टॉप अचीवर ये फोटो ये वीडियो अपलोड करेगा स्टेटस पे, अगर आंसर आता है हाँ करेगा तो आप भी करो, अगर लगता है कि मेरे सर ये स्टेटस अपलोड नहीं करेंगे आप मत अपलोड करो, सिंपल। एक पॉइंट इज हमेशा वो काम करो जो काम डुप्लीकेबल हो, कोई डिफिकल्ट काम मत करना, ठीक है। कोई ट्रेनिंग दे रहे हो टीम को तो एटलीस्ट उस ट्रेनिंग के वर्ड्स इतने सिंपल रखो कि टीम को समझने में आसानी हो, इतने डिफिकल्ट वर्ड मत यूज करो कि आप तो समझ जाओगे आपकी टीम ना समझ पाए। एंड द लास्ट इज नाइन्थ पॉइंट इज कभी भी कोई और दूसरा बिजनेस अपने नेटवर्क में अपनी टीम में शेयर नहीं करना चाहिए। मैं कई लोगों को जानता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं, उनका काम बहुत बढ़िया चल रहा था, मतलब अच्छी खासी इनकम थी, अच्छी खासी रिस्पेक्ट थी मार्केट के अंदर, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3-4 मल्टीपल काम स्टार्ट कर दिया नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ। करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीम को तो मत दिखाओ, क्योंकि एज अ सीनियर अगर मैं कुछ 15-20 काम कर रहा हूँ और वो सारे काम टीम को दिख जाते हैं तो टीम को लगता है कि भाई साहब अगर इस बंदे को इस इंडस्ट्री पे यकीन नहीं है, ये अपनी 5-6 चीज़ें और कमा रहा है, तुम तो वो छोटे लेवल पे है, हम कैसे इस इंडस्ट्री पे यकीन कर सकते हैं। यानी जाने अनजाने अपने अपने फायदे के लिए टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। आपको अगर मल्टीपल काम करने करो, लेकिन दुनिया में ढिंढोरा क्यों पीट रहे हो, क्योंकि आप एक ऐसे फील्ड के अंदर हो जहाँ पे आपको सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ती है। आप कोई दुकानदार नहीं हो कि 20-25 काम खोल के बैठ जाओगे कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी कंपनी को, अपनी टीम को, और आपकी टीम आपसे इंस्पायर होती है, वो वही करेगी जो आप करोगे। अगर आपका पूरा फोकस अपनी कंपनी में है, अपनी टीम पे है, आपकी टीम वही काम करेगी। आप 36 जगह पर डाइवर्ट हो रहे हो, आपकी टीम 45 जगह पर डाइवर्ट हो जाएगी, क्योंकि आपसे 2 कदम आगे होती है, ठीक है। तो जो भी काम कर रहे हो मेक श्योर अपने नेटवर्क के अंदर कभी डिस्कस मत करना, डिंडोरा मत पीटो, करना है चुपचाप करते रहो, दुनिया के सामने मत लाओ उस चीज को, मैं ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। होप सो ये पॉइंट आपको अच्छे लगे होंगे। और 9 बजे का सीरीज हमारा रात को चलता रहेगा कॉन्टिन्यूसली, अलग अलग स्पीकर्स मिलेंगे, अलग अलग ट्रेनर्स मिलेंगे, और काफ़ी कुछ नॉलेज आपको मिलने वाली है। और हाँ, जिस उम्मीद से आपने ज्वाइन किया था हमारी टीम को कुछ सीखने के लिए, डेफिनेटली 6 महीने के अंदर आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी